नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक कर लेते हैं हिमाचल की खबरों का, पर सबसे पहले बड़ी खबर, आज दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, करीब 3 बजे उना से दिल्ली रवाना होंगे सीएम। कल हिमाचल निकेतन का करेंगे शिलान्यास। जी हां, सीएम सुक्खू का गोवा जाने का भी प्रोग्राम, दिल्ली के द्वारका में बना हिमाचल निकेतन। जी हां, करीब 3 बजे उना से दिल्ली रवाना होंगे सीएम, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और कल हिमाचल निकेतन का शिलान्यास भी उनके द्वारा किया जाएगा। सीएम सुक्खू का गोवा का प्रोग्राम भी है। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली के द्वारका में बना हिमाचल निकेतन, जिसके शिलान्यास के लिए सीएम सुक्खू दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कल हिमाचल निकेतन का उनके द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। सीएम सुक्खू का गोवा जाने का भी प्रोग्राम, तो कल हिमाचल निकेतन का शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। बताना चाहेंगे कि पीडब्ल्यूडी ने किया है निकेतन भवन का खाका तैयार, 18 करोड़ 70 लाख की लागत से ये भवन बनने जा रहा है। सीएम के 2 साल के अंदर बनाने के निर्देश भी हैं। वहीं हिमाचल निकेतन में 2 VVIP सेट भी होंगे, कुल 81 कमरों का किया जाना है निर्माण और भवन में पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी। तो पीडब्ल्यूडी ने निकेतन भवन का खाका तैयार कर दिया है, जिसका शिलान्यास करने के लिए कल सीएम सुखविंदर दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीएम के 2 साल के भीतर बनाने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए स्पर्श हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो स्पर्श, दिल्ली एक बार फिर से आ रहे हैं सीएम सुक्खू, हिमाचल निकेतन भवन की करेंगे शिलान्यास। देखिए, बिल्कुल आज देर शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। और कल की बात करते हैं तो कल द्वारका में हिमाचल निकेतन का जो फाउंडेशन स्टोन है वो आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है रखते हुए नजर आएंगे। और ये हिमाचल निकेतन की खास तौर पर बात करें तो हिमाचल वासियों के लिए एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में अभी 2 प्रॉपर्टीज जो है हिमाचल की देखने को मिलती हुई नजर आती है, पहली मंडी हाउस की हिमाचल भवन और दूसरी चाणक्यपुरी में हिमाचल सदन। लेकिन ये प्रॉपर्टीज जो है पर्याप्त जो है नहीं जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब द्वारका में जो हिमाचल निकेतन बनने वाला है उसमें तमाम तरीके की सुविधाएं जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। और कल सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पर्श, कहा जा सकता है कि दिल्ली में हिमाचल छात्रों को ठहरने की सुविधा देगी सुक्खू सरकार। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सुविधाजनक जो है आगे आने वाले समय में चीजें होती हुई नजर आए हिमाचल वासियों के लिए, हिमाचल के अधिकारियों के लिए या फिर मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, इसलिए हिमाचल निकेतन जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि सेंट्रल दिल्ली से दूसरी तरफ अगर बात करते हैं द्वारका की तरफ ये जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एयरपोर्ट से इसकी कनेक्टिविटी जो है पास देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा भी कई ऑफिशियल मीटिंग जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है दिल्ली दौरे के दौरान जो है करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है, फिर पार्टी के जो आलाकमान के नेता होते हैं उनसे भी मुलाकात होती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल स्पर्श, हम चाहेंगे कि आप सीएम सुक्खू के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की भी जानकारी दें कि क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ अपडेट निकल कर आएगा उनके इन कार्यक्रमों से। देखिए, अगर हम बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू की तो देर शाम को लगभग 6 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जो है हिमाचल सदन पहुंचते हुए नजर आएंगे। और 3 दिवसीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये जो दिल्ली दौरा है वो देखने को जो है मिलता हुआ जो है फिलहाल नजर आएगा, जो ऑफिशियल टूर प्लान जारी हुआ है। उसके बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री वापस जाते हुए नजर आए। लेकिन कल की बात करते हैं तो कल हिमाचल निकेतन का जो है उद्घाटन, माफ कीजिएगा, जो फाउंडेशन स्टोन है वो आज जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू रखते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो अगर बात करें तो पार्टी आलाकमान के नेताओं से हो सकता है कि राजनीति को लेकर जो है चर्चा वहां पर होती हुई नजर आए, जिस तरीके से कई जो योजनाएं हैं वो सरकार ने लागू की, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जाए, फिर आने वाले समय में जो योजनाएं लागू होने वाली हो सकती हैं, या फिर केंद्र सरकार से जब मुलाकात होगी केंद्र सरकार के मंत्रियों से तो प्रदेश के विकास संबंधी जो परियोजनाएं होती है उनको लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल स्पर्श, तो जिस तरह से सीएम सुक्खू हिमाचल निकेतन भवन का शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि आखिर क्या खासियत है इस भवन की, क्यों है हिमाचल निकेतन भवन इतना खास। देखिए, हिमाचल निकेतन भवन की हम बात करते हैं तो ये दिल्ली के द्वारका में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको अगर सीधे तौर पर समझने की कोशिश करें तो अभी जो 2 प्रॉपर्टीज हैं उसमें जो है पर्याप्त मात्रा में ऐसा माना जा रहा है कि हिमाचल के जो निवासी होते हैं, खासतौर पर अगर बात करें कि जो विधायक है, जो मंत्री है, अधिकारीगण है, उनके लिए जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से जो है नहीं देखने को मिल पाती, या फिर कहें कि
कम जो व्यवस्था है वो आज देखने को मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि रूम्स उसमें कम है, लेकिन हिमाचल निकेतन के बनने से निश्चित तौर पर जो सुविधाएं हैं उसमें विस्तार होता हुआ नजर आएगा, और चूंकि ये एयरपोर्ट के पास है तो कनेक्टिविटी के लिहाज से भी जो है महत्वपूर्ण रहेगा। इस तमाम जानकारी के लिए स्पर्श आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से बताया कि हिमाचल निकेतन भवन इतना ज्यादा खास क्यों है और इसी का शिलान्यास करने के लिए सीएम सुक्खू दिल्ली आ रहे हैं, बताना चाहेंगे कि दिल्ली से फिर उनका गोवा जाने का भी कार्यक्रम है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी दी स्पर्श ने। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ट्वीट एक सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर उन्होंने ट्वीट करते हुए सवाल उठाए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का एक ट्वीट सामने आया है, जिस ट्वीट में उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। लगातार 5 ट्वीट के जरिए उन्होंने तंज कसने का काम किया है, बिगड़ते हालातों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज है। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का यह ट्वीट सामने आया है और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार 11,000 करोड़ की बात करते हैं और बार बार हिमाचल प्रदेश में श्रीलंका जैसे हाल हो जाएंगे, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। तो बताना चाहेंगे कि प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज है, ऐसा उनके द्वारा बयान दिया गया, ऐसा उन्होंने ट्वीट में कहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, फिजूल खर्ची से बचाव के उपाय खोजे जाएं, इस तरह से उन्होंने कहा है कि मंत्रियों अफसरों के वीवीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए। तो लगातार 5 ट्वीट के जरिए जयराम ठाकुर ने तंज कसा है और बताना चाहेंगे कि हिमाचल सीएम और पूर्व सीएम में सियासी जंग एक तरीके से देखने को मिल रही है। इसी बड़ी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए बीजेपी से गणेश दत्त हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो गणेश जी, स्वागत है आपका। तो गणेश जी, जिस तरह से हिमाचल सीएम और पूर्व सीएम में एक सियासी जंग देखने को मिल रही है और सुक्खू के श्रीलंका जैसे हालात वाले बयान पर जयराम का पलटवार देखने को मिल रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं, और कई पिछले कई वर्षों से ये चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए एक अनावश्यक घोषणाएं की और लोगों को सब्जी बाग दिखाए हैं, और अब धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा तो लोग जो कांग्रेस पार्टी ने वायदे किए थे और लोगों के सामने कहा था कि हम ओपीएस लागू कर देंगे, पहली कैबिनेट में 1500 हर महिला को दे देंगे और 1,00,000 नौकरियां पहली कैबिनेट में निकाल देंगे, धीरे धीरे उसका असर तो देखने में को मिलेगा ही, निश्चित तौर पर लोग अपनी बात को उनके सामने रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अभी पिछले 2 दिन पहले ही कहा है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालात धीरे धीरे श्रीलंका की तरह होती जा रही है, जो चिंता का विषय है। हालांकि इतनी हालत खराब नहीं है जितना उन्होंने लोगों के सामने रखा है। गणेश जी, सुनेंगे आपको और इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए कांग्रेस से भी मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रेम जी, जिस तरह से हिमाचल सीएम और पूर्व सीएम में एक सियासी तनातनी देखने को मिल रही है और श्रीलंका जैसे हालात वाले बयान पर जयराम जी का भी पलटवार सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ही इसकी जिम्मेदार होगी, क्या कुछ कहना? देखिए, कांग्रेस की सरकार को बने दो ढाई महीने का समय हुआ है। ये जो हालात जिनकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री ने की है, ये हालात को 2 महीने में नहीं हुए, पिछले 5 वर्षों में जो एक आर्थिक बदहाली का दौर और एक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का जो दौर इस प्रदेश के अंदर चला और आर्थिक तौर पर जो सरकार है, प्रबंधन जो सरकार का रहा वो इतना कमजोर और विफल रहा, जिसकी वजह से आज प्रदेश के अंदर ऐसी विकट परिस्थितियां जो है वो आर्थिक पैदा हुई है। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, आमों के साधन कम है, आर्थिक जो विषमताएं हैं उनसे प्रदेश जूझता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकारें केंद्र में थी, एक उदार मदद हिमाचल प्रदेश को केंद्र की सरकारों से मिलती रही है। वर्तमान में दो इंजन की सरकार की बात करते थे, डबल इंजन सरकार की बात करते थे, कोई अलग से पैकेज बेल आउट करने के लिए हिमाचल को केंद्र से नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने अगर कहा है कि श्रीलंका जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे, तो उन्होंने एक वस्तुस्थिति जो है आज आर्थिक मोर्चे के ऊपर हिमाचल प्रदेश की पिछले 5 वर्षों के कुप्रबंधन की वजह से, उसको उजागर करने का उन्होंने काम किया। रही बात कांग्रेस पार्टी की, जो हमने जो अपने मैनिफेस्टो में बातें कही है, अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि हमने लुभावने वादे किए हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इन चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जरा थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर नजर मारे, उसको भी पढ़ ले। भारतीय जनता पार्टी, हमने तो 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात की है, इधर तो हर छात्र जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको स्कूटी देने की बात कही थी। तो ये इस तरह के बेसिर पैर और जिसको कहते हैं कि आधारहीन बात नहीं करनी चाहिए, अपने मैनिफेस्टो के ऊपर भी नजर डालें कि इन्होंने किस तरह के वादे जो है सत्ता में आने की स्थिति में प्रदेश की जनता के साथ किए थे, क्या वो लोक लुभावने नहीं थे। कांग्रेस ने जो कहा है, कांग्रेस पार्टी उनको पूरा करने की तरफ कई कदम आगे जो है बढ़ा चुकी है। हमने जो कहा है हम उसको पूरा करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी को चिंतित होने की परेशानी, गणेश जी बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच प्रोफेसर राजकुमार अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राजकुमार जी, जिस तरह से दोनों की ही बातों को आपने सुना, एक दोनों ही पार्टियों के बीच सियासी तनातनी देखने को मिल रही है, इसका क्या कुछ असर अब हिमाचल की सियासत पर देखने को मिल सकता है, हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है? हाँ कोमल जी, अभी मैं सुन रहा था, तो देखो हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो चिंताजनक तो है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि 75,000 करोड़ का कर्जा है, 10,000 करोड़ की जो है लाइबिलिटी जो है वो एरियर की है, 6,000 करोड़ की एक और लाइबिलिटी है, कुल मिला के 91,000 करोड़ के करीब करीब बन जाता है। और जिस प्रकार का मैं देख रहा था, स्टेट का रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, गैप उसके बीच में ज्यादा है, तो ऐसा लगता नहीं है कि ये बोझ जो है वो कम होगा। ये ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है हम 1,00,000 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं। स्थिति तो दयनीय है। और मैं ये बात भी ऐड करना चाहता हूँ कि ये 1,00,000 करोड़ का या 75,000 करोड़ का या 91,000 करोड़ का जो ये स्टेट के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है, ये एक या दो दिन की बात तो नहीं है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। ये कुप्रबंधन तो हमारे राज्य के स्तर के ऊपर तो है, फाइनेंशियल कुप्रबंधन। अब इसके लिए अगर हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें और इसका समाधान की तरफ को ना देखें, तो हमें लगेगा कि हम एक गलत दिशा की तरफ को जो इसके समाधान की तरफ को जा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आज अगर हम देखेंगे कि राज्य की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम नहीं है, 1,85,000 है, जो कि राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी 1,95,000 की पर कैपिटा इनकम के करीब करीब है। तो पर कैपिटा इनकम तो यह दर्शाती है कि हिमाचल प्रदेश की जो व्यक्तियों का जो स्थिति है वो कंपैरेटिवली जो है वो अदर स्टेट से ठीक है। लेकिन सारी जिम्मेवारी हमारी सरकारों के ऊपर जाती है, सरकारों को लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो ऐसे में अब हमें ये देखना है कि क्या इस स्थिति में हम हैं कि हम अपने लोगों को बिजली मुफ्त दे पाए या कुछ और उनको जो फाइनेंशियल एड दे पाए। ये जैसे मेरे साथी भी कह रहे थे कि स्कूटी देने का वायदा, लैपटॉप देने का वायदा, तो ये सब हमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में या बाद में भी हमें देखनी पड़ेगी कि क्या हमारा राज्य इस क्षमता में है कि क्या हम इन चीजों को दे सकते हैं। ठीक है, राजकुमार जी सुनेंगे आपको। और इधर प्रेम कौशल जी का फिर से रुख कर लेते हैं। तो प्रेम जी, राजकुमार जी की तमाम बातों को आपने सुना और जिस तरह से सीएम द्वारा वर्ल्ड बैंक से भी बातचीत चल रही है, तो क्या उनकी तरफ से किसी तरह की कर्ज की दरकार? वहीं बीजेपी का भी आरोप है कि सुक्खू सरकार भी 1,500 करोड़ का कर्ज के लिए अप्लाई कर चुकी है। उन हालात में फिलहाल कोई
जादू की छड़ी मुख्यमंत्री के पास शब्द देने के बाद नहीं आ गई कि जो इतने बदतर आर्थिक हालात हैं वो कुर्सी पे बैठ के अपने आप ठीक हो जाएंगे। उनको ठीक करने में, व्यवस्था को सुधारने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उस वक्त तक प्रदेश को इसको प्रदेश के चाहे विकास के काम है, चाहे सोशल वेलफेयर के काम है, जो भी प्रदेश में करने के लिए जरूरी है उसको लेके जो है वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जा सकता। तो मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्ज लेना पड़ेगा और ये इस वक्त जो है वो मजबूरी है हालात को देखते हुए, लेकिन मुख्यमंत्री ने साथ में ये भी कहा है कि हम इस तरह से काम करेंगे कि आने वाले 3-4 सालों में हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो जहां आज पहुंची है वहां से निकल कर जो है वो मजबूत स्थिति में आए, उस दिशा में भी काम करने की बात उन्होंने कही है। दूसरी बात, अभी मैं आप अर्थशास्त्री राजकुमार जी की बात सुन रहा था, मैं इनकी एक बात से सहमत हूँ कि जहां तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मसला है इसके ऊपर हम सबको, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे किसी अन्य विचारधारा के लोग हों, चाहे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, चाहे अर्थशास्त्री हों, समाजशास्त्री हों, किसी भी वर्ग से संबंध रखने वाले लोग हों, सबको बैठकर एक समुचित हल और रास्ता निकालना पड़ेगा, तब हम हिमाचल प्रदेश को इस आर्थिक संकट से जो है एक परमानेंट इसका सोल्यूशन जो है वो कैसे हम निकाल पाए उसके ऊपर हम सबको मिलकर। बिल्कुल ठीक है गणेश जी, तमाम बातों को आपने सुना, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? हाँ देखिए, इसमें जो राजकुमार जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है कि प्रदेश पिछले काफी वर्षों से और आर्थिक तंग हाली से निकल रहा है और इसमें सभी सरकारें प्रयास करती हैं कि जो अनावश्यक खर्चे हैं उसको समाप्त किया जाए और जो प्रोडक्टिव खर्चे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन हिमाचल की स्थिति एक कैंसर के रूप में, एक आर्थिक स्थिति एक कैंसर का रूप ले चुकी है जिसको एक प्रकार से बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए सभी पार्टियों को मिलकर के और सभी पार्टियों को प्रयास करना पड़ेगा कि जो हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक हालत आज बहुत ही दयनीय है उसको सुधारने के लिए जो जो भी आवश्यक प्रयास होने चाहिए वो करने चाहिए। पिछले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र के समक्ष भी गए थे और भारतीय जनता पार्टी की जब जब भी हिमाचल प्रदेश में सरकारें रही, केंद्र में सरकारें रही, केंद्र ने बहुत अधिक मदद की है। एक बार मुझे ध्यान में आ रहा है 2004 में जब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो मनाली में जाकर के उन्होंने कहा कि हिमाचल की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने 553 करोड़ रुपए का एक मुश्त जो है इनको सहायता दे करके बेल आउट किया था आर्थिक हालात से। आज भी पिछले सरकार के समय जब जयराम ठाकुर जी सरकार में थे तो 1100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। तो हिमाचल प्रदेश के, जैसे मोदी जी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको यथासंभव हम सहयोग करेंगे और उसमें जो जो भी आवश्यक होगा, और मुख्यमंत्री जी से उन्होंने कहा है कि एक आप प्लान बना करके लाइए तो आप किस बात के लिए पैसा चाहते हैं तो हम उसकी मदद करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर हमारा भी ये बनता है कि हम प्रदेश की सरकार को मदद करेंगे, लेकिन प्रदेश की सरकार को अपने जो खर्चे हैं, अनावश्यक खर्चे हैं, उनको बंद करना पड़ेगा, जो एक रेवड़ी बांटने वाला जो काम है उसको समाप्त करना पड़ेगा, ये हमारा कहना है। बिल्कुल, तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताना चाहेंगे कि एक सियासी तनातनी लगातार जारी है, दोनों ही सरकारों द्वारा कर्ज जिस तरह से लिया जा रहा है, ऐसे में हिमाचल की अर्थव्यवस्था में किस तरह से सुधार आता है ये एक बड़ा सवाल। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है सामने, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। टैक्सी चालकों ने सीएम से अपनी मांगे रखी हैं। जी हां, इस वक्त की बेहद अहम जानकारी देने जा रहे हैं। गाड़ियों से हटाया जाए जीपीएस सिस्टम, जीपीएस सिस्टम को हटाए जाने को लेकर टैक्सी ऑपरेटरों ने अपनी मांगे रखी। मार्च में टैक्स नहीं भरने की चेतावनी भी उनके द्वारा दी गई है। जीपीएस सिस्टम लगवाने की जिस तरह से बात चल रही थी ऐसे में उसे हटाने की अब मांग की जा रही है। टैक्सी चालकों ने ये मांग रखी है, गाड़ियों से हटाया जाए जीपीएस सिस्टम। टैक्सी ऑपरेटरों ने सरकार को चेताया, आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है, टैक्स ना भरने की भी उनके द्वारा दी गई है चेतावनी। तो जीपीएस सिस्टम हटाने की उनके द्वारा मांग की जा रही है।
टैक्सी चालकों ने अपनी मांग रखी है। हिमाचल में जीपीएस 15,000 रुपए जिसका सालाना रिचार्ज 4,500 रुपए, ज्यादा कमर्शियल वाहन रखने पर लागू करें नियम, 1 से 2 वाहन रखने वाले चालकों को मिले राहत।